हरे कृष्णा। इस समय हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 9 पर विचार करेंगे। अन्य चा बाबा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो दुर्योधन क्या कह रहा है, अन्य चा बाबा शूरा, और भी अन्य बहुत से शूर हैं। तो श्लोक संख्या 7 से दुर्योधन ने अपने पक्ष के शूरों के नाम लिए कि हमारे भी पक्ष में विशेष शूर हैं। तो पांडवों के पक्ष में जैसे हैं तो हमारे पक्ष में कम नहीं हैं। तो उसने कुछ नाम लिए और फिर कुछ नाम लेने के बाद फिर ये कहा, अन्य चा बाहबा शूरा, और भी बहुत से अन्य बहुत से शूर हैं, मदर्थे त्यक्ति जीविता, जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हैं। नाना शस्त्र प्रेरणा, और नाना प्रकार के शस्त्रों से वे सुसज्जित हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और वे सभी युद्ध में विशारद हैं, युद्ध में निपुण हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, ये सभी दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। जिनका नाम नहीं लिया दुर्योधन ने, दुर्योधन ने नाम लिया था इस श्लोक संख्या 8 में भीष्म का, कर्ण का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का, विकर्ण का, और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, इनका नाम लिया था। तो अब जो अर्जुन, क्षमा करें, दुर्योधन जो कह रहा है कि और भी बहुत से शूर हैं, तो प्रभुपाद इसमें नाम दे रहे हैं किनका, जयद्रथ का, कृतवर्मा का और शल्य का। तो ये सभी दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। जयद्रथ कौन है, जयद्रथ दुर्योधन की बहन दुस्सला का पति है, सिंधु देश का राजा है। दुस्सला जो दुर्योधन की बहन है, ये धृतराष्ट्र की ही पुत्री है। तो धृतराष्ट्र को 100 पुत्र गांधारी से उत्पन्न हुए थे, लेकिन एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। तो ये भी हमें जानना चाहिए कि गांधारी ने जो 100 पुत्रों को जन्म दिया था, तो उनके साथ में एक कन्या दुस्सला भी थी। तो ये बताया गया था कि गांधारी ने एक मांस का पिंड उत्पन्न किया था, गांधारी के गर्भ से एक मांस का पिंड निकला था, और गांधारी ने ये समझ करके कि ये तो बेकार है, इसको फेंकवा देने का विचार किया। लेकिन उस समय व्यास जी तुरंत आ गए, तो व्यास जी को पता चल जाता है, उनके पास जो है ऐसी शक्तियाँ हैं कि वे जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो व्यास जी तुरंत आ गए और व्यास जी ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये जो है मांस का पिंड मत समझो, मैंने अगर तुम्हें वर दिया है कि 100 पुत्र होंगे तो तुम्हें 100 पुत्र होंगे, तो इसलिए इस मांस पिंड के ऊपर ठंडा पानी छिड़को, थोड़ा ठंडा पानी इसमें डालो। तो जब ठंडा पानी डाला तो उसके 101 टुकड़े हो गए। फिर व्यास जी ने कहा कि एक एक टुकड़ों को घी के घड़ों में डालो, घी के घड़ों में रखो। तो 101 जो है घी के घड़ों में इन टुकड़ों को रखा गया। तो फिर इसी से ही जो है ये 100 पुत्र पले और एक कन्या पली दुस्सला। तो दुस्सला का विवाह है जयद्रथ से हुआ था। तो ये जयद्रथ जो है पांडवों के प्रति बहुत ईर्ष्यालु था, तो दुर्योधन के पक्ष में इसने युद्ध किया और बाद में अर्जुन के द्वारा ये मारा गया। फिर दूसरा है कृतवर्मा। जो कृतवर्मा है ये तो यदुवंशी हैं, द्वारका में श्री कृष्ण के ही साथ रहते थे कृतवर्मा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना दे दी थी, यदुवंशियों की सेना दे दी थी दुर्योधन को, तो सेना में जो है कृतवर्मा भी आए थे। और जो शल्य हैं ये जो
पांच पांडव हैं उनमें से दो माद्री के पुत्र थे, नकुल और सहदेव, तो ये माद्री के भाई शल्य थे। इस प्रकार पांडवों के मामा लगते थे, तो शल्य का जो है विशेष स्नेह पांचों पांडवों के प्रति था। और मद्र देश के राजा थे, जैसे इस समय मद्रास कहा जाता है, हैं? तो ये शल्य जिस समय पांडवों के पक्ष में आ रहे थे अपनी सेना लेकर के, तो दुर्योधन चूंकि बड़ा ही राजनीतिज्ञ था, राजनीति का मतलब छल कपट के द्वारा अपना जो है काम निकालना, तो इसने रास्ते में शल्य की सेना के लिए और शल्य के लिए कई प्रकार के भवन बनवाए और उनके खाने के रहने की व्यवस्था की। तो राजा शल्य समझ नहीं पाए कि दुर्योधन की ये कपट चाल है, वो समझे कि युधिष्ठिर महाराज की तरफ से ही ये सब व्यवस्था हुई है। तो शल्य बड़े प्रसन्न थे, हैं? और दुर्योधन जब शल्य से मिलने आया तो दुर्योधन से कहा कि देखो युधिष्ठिर ने मेरे लिए रास्ते में कितना मतलब व्यवस्था की है। तो दुर्योधन ने तपाक से उत्तर दिया कि नहीं मामा जी, ये तो मैंने किया है, ये तो मैंने आपकी व्यवस्था और सुख सुविधा के लिए व्यवस्था की है। तो शल्य समझ गए कि ये बड़ा जो है दुष्ट है, कपटी है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो अगर तुमने की है तो बोलो क्या चाहते हो। तो दुर्योधन ने तुरंत अपनी बात बता दी कि आप मेरे पक्ष में आइए। तो शल्य ने कहा ठीक है, तुम्हारे पक्ष में मैं युद्ध करूँगा, लेकिन मैं पहले युधिष्ठिर से मिल करके आऊँ, क्योंकि उनकी ओर से मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ था, तो मैं पहले उनसे मिल करके आऊँ, उनको बता दूँ और फिर मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाऊँगा। तो शल्य जो है इस प्रकार युधिष्ठिर के जो है सेना में गए, युधिष्ठिर महाराज से मिले और दुर्योधन की कपट चाल सब बताई और फिर कहा कि अब मुझे तो युद्ध करना होगा दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन मेरा हृदय तुम्हारे ही पक्ष में है। तो युधिष्ठिर ने अपने शल्य मामा से जो है एक बात ये कही कि अगर हमारा आपका हृदय हमारे पक्ष में है तो आप एक काम करिए। क्या काम करिए कि कर्ण अर्जुन के साथ हमेशा अपनी स्पर्धा रखता है, तो कर्ण और युद्ध, कर्ण का जब युद्ध अर्जुन के साथ होगा तो कर्ण भी एक सारथी की मांग करेगा जो श्री कृष्ण के समान सारथी हो। तो कर्ण अर्जुन की बराबरी करने के लिए सारथी मांगेगा और आप ही हैं श्री कृष्ण के समान, अगर कोई सारथी हो सकता है तो आप ही हैं, तो आपको जो है सारथी बनाया जाएगा। तो उस समय आप कर्ण की निंदा करके कर्ण के मनोबल को आप घटाते रहिए, तो ये आप करिए। तो शल्य ने ये वचन दिया था, तो आगे चल करके फिर यही हुआ कि कर्ण की निंदा करके कर्ण का मनोबल घटाते रहे शल्य। लेकिन वैसे अर्जुन के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी कि शल्य ऐसा करें, अर्जुन के पास सब शक्तियां हैं और श्री कृष्ण के साथ हैं, तो कर्ण के पास ऐसा कुछ भी पराक्रम नहीं था। अर्जुन के पराक्रम के सामने कर्ण का पराक्रम 6% भी नहीं था, लेकिन तो भी युधिष्ठिर महाराज ने शल्य को जो ये बात कही तो एक उन्होंने सेवा का कार्य दिया कि उनके अंदर सेवा करने की भावना है पांडवों के प्रति, तो पांडवों के पक्ष में कुछ कार्य उन्होंने बता दिया था। तो ये शल्य जो है आगे चल करके युधिष्ठिर महाराज के द्वारा ही मारे गए और कृतवर्मा जिंदा रहे, कौरवों के पक्ष में कृतवर्मा जिंदा रहे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है, क्षमा करें, दुर्योधन कह रहा है कि मेरे लिए ये अपने जीवन को त्यागने वाले हैं, तो सचमुच ऐसा ही होने वाला है कि दुर्योधन के पक्ष में ये मारे ही जाएंगे निश्चित रूप से। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो दुर्योधन को तो बड़ा बल मिल रहा है और बड़ा विश्वास
हो रहा है कि मेरी विजय होगी, क्योंकि ये लोग जो है मेरे लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार हैं। तो दुर्योधन इस प्रकार की बात जो अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसका संकेत यह है कि आप भी इसी के लिए तैयार रहिए, मेरे लिए आप भी ऐसा ही मरने के लिए तैयार रहिए, है ना। तो गुरु की जो है उसके अंदर सेवा की भावना नहीं है गुरु के प्रति, बल्कि गुरु के जीवन के बल पर, जीवन के मूल्य पर भी जो है वो राज पाना चाहता है और सुख पाना चाहता है, है कि गुरु भी जो है मेरे लिए अगर मारे जाएं तो अच्छा है, मर जाएं और मुझे जो है राज्य प्राप्त हो जाए, तो अपने गुरु को मरवा करके भी वो राज्य पाना चाहता है, तो ये उसका संकेत है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है, तो इसको मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ कि इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बताना चाहता है कि उसके सेना में अनेक ऐसे वीर हैं जो उसके लाभ के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार हैं, परंतु प्रश्न उठता है यदि बहुत से योद्धा दुर्योधन के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएं तो क्या उसकी विजय हो जाएगी? नहीं। इसके लिए इसलिए इसके पश्चात दुर्योधन कहता है नाना शस्त्र प्रहरणा, अर्थात ये वीर अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए हैं, परंतु फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या इससे दुर्योधन की विजय निश्चित है? नहीं। इसलिए इसके पश्चात दुर्योधन ने कहा सर्वे युद्ध विशारदा, अर्थात ये सभी योद्धा युद्ध करने में भी निपुण हैं। इसके पिछले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के समक्ष अपनी सेना के 7 वीरों के नाम गिनाए थे, तथा इस श्लोक में भाई अपनी सेना के अधिक वीरों का नाम ना लेकर ये कहता है कि मेरे सेना में और भी अन्य बहुत से सूर हैं। सूर का अर्थ है युद्ध में उत्साह रखने वाला। तो दुर्योधन ये कहना चाहता है कि उसकी सेना में ऐसे अनेक वीर हैं जो क्षत्रियों के उपरोक्त स्वाभाविक गुणों से युक्त हैं। क्षत्रिय के जो गुण हैं ये क्या हैं? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्ध में अपनी शक्ति प्रकट करना, युद्ध में उत्साह प्रकट करना, युद्ध करने का संकल्प करना, युद्ध करने में निपुण होना, युद्ध में धैर्य धारण करना, तो ये सभी गुण जो हैं। तो दुर्योधन ये कह रहा है कि ये सभी योद्धा मेरी प्रसन्नता के लिए क्षत्रियोचित कर्तव्यों में लगे हुए हैं। दुर्योधन ने मदर्थी शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है मेरी प्रसन्नता के लिए। तो गीता के 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री भगवान भी मदर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता हुआ तो सफलता प्राप्त कर लेगा। सफलता का अर्थ है कर्म बंधन से मुक्ति अथवा जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं वे इस जगत में भगवान के समान बनने का प्रयास करते हैं। दुर्योधन अपने लिए कह रहा है मदर्थ है त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन की बलिदान करने ये लोग, तो दुर्योधन ये चाहता है। ऐसे ही दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए श्री भगवान अवतार लेते हैं। भगवान गीता के 4वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने असुरों के विचारों का काफ़ी विस्तृत वर्णन किया है। इस अध्याय के 15वें श्लोक में वे कहते हैं कि दुष्टगण अपने विषय में सोचते हैं मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरी प्रसन्नता के लिए बहुत से लोग कार्य करने वाले हैं, मेरे समान अन्य कौन हो सकता है। इस श्लोक में क्या है आढ्यो भी जनमान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, है कि मैं बहुत धनवान हूँ और मेरा जो है बहुत परिवार या मेरे बहुत अनुयायी हैं और अन्य कौन मेरे समान हो सकता है। इस प्रकार से असुर लोग सोचते हैं, इसी प्रकार से दुर्योधन भी कह रहा है मेरे समान कौन हो सकता है, मेरे लिए सब योद्धा जो है अपने जीवन को बलिदान देने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, तो मेरे जैसा और कौन हो सकता है, श्रेष्ठ मेरे समान महत्वपूर्ण कौन हो सकता है। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय में ये अच्छी प्रकार से समझाया गया है कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, पहला शोषण करने वाले तथा दूसरे शोषित होने वाले।
तो दुर्योधन जैसे लोग सदा अपने अधीनस्थ लोगों का अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शोषण करते हैं। अर्जुन दुर्योधन क्या कह रहा है, मेरे लिए ये मन अपना जो है छोड़ देंगे और मुझे क्या मिलेगी, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, मैं इंद्रिय तृप्ति करूँ, ये मर जाएँ तो इनके मरने पर भी मुझे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो तो मैं कितना जो है मतलब श्रेष्ठ हूँ। तो दुर्योधन इस प्रकार सोचता है। और अर्जुन जैसे निर्दोष लोग ऐसे असुरों द्वारा शोषित होते हैं, अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं कि इनके लिए हमें मरना चाहिए, इनको इंद्रिय तृप्ति इनको मिले, तो अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं। दुर्योधन सोच रहा है मुझे इंद्रिय तृप्ति मिले, ये मर करके भी मुझे इंद्रिय तृप्ति प्रदान करें, अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं तो जिस प्रकार का भाव इस श्लोक में दुर्योधन ने व्यक्त किया है, इसी के समर्थन में अर्जुन ने भी बातें कही हैं। अर्जुन ने इस अध्याय के 32वें श्लोक में इसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है, ये सामर्थ्य कि जिनके लिए जिनकी प्रसन्नता के लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वही धृतराष्ट्र के पुत्र यहाँ धन प्राणों को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। तो दुर्योधन भी कह रहा है कि मेरे लिए ये जो है सब मरने के लिए तैयार है, और अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि इनके ही लिए हम चाहते हैं राज्य सुख भोग मिले। इस प्रकार अर्जुन का कहना है कि इनके सुख के लिए तो हमें अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, फिर इनको मारकर हम भोगों को पाकर अथवा जीवन पाकर क्या करेंगे। तो अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग अर्जुन के समान पुण्यात्मा हैं वे भोगों के प्रति विरक्त होते हैं, परंतु यदि ऐसे लोग श्री भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगते तो उन्हें ऐसे दुष्टों की सेवा में लगना पड़ता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे होते हैं। ऐसे दुष्टों की सेवा करने से जीवन में अत्यंत अशांति प्राप्त होती है, जबकि इसके विपरीत यदि हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने भोगों को तथा जीवन को लगाते हैं तो अत्यंत शांति प्राप्त होती है। भगवद गीता में मुख्य बात यही बताई गई है, इसलिए श्री भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा। भगवान कहते हैं अर्थात श्री भगवान के भक्त अपने चित्त को तथा अपने जीवन को उनकी प्रसन्नता में लगाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कपिल माता देवहूति को समझाते हैं मदर्थे त्यक्त कर्माणा, इसमें भी मदर्थ है त्यक्त सुजन बांधवा, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे भक्त अपने कर्मों को अर्थात भोगों को त्याग देते हैं तथा मेरी प्रसन्नता के लिए वे अपने सुजन संबंधियों को भी त्याग देते हैं। जैसे दुर्योधन कह रहा है मदर्थे, यहाँ कपिल भगवान कहते हैं मदर्थे त्यक्त जीविता उसने कहा, और कपिल भगवान के मदर्थे त्यक्त बांधवा, मेरे लिए अपने बंधुओं का भी त्याग कर देते हैं। अर्जुन का विचार था कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए उन्हें अपने भोगों को तथा अपने जीवन को त्याग देना चाहिए, परंतु श्री भगवान का कहना है कि अपने भोगों का त्याग उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, भगवान के मेरी प्रसन्नता के लिए अपने भोगों और उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसे संबंधियों को भी त्याग करना चाहिए जो श्री भगवान की प्रसन्नता में बाधा डालते हैं। तो भगवान ये चाहते हैं कि अर्जुन दुर्योधन का त्याग करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, मदर्थे है? जिस शब्द का प्रयोग दुर्योधन ने इस श्लोक में किया है उसी शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल भी करते हैं मदर्थे, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए। परंतु प्रश्न उठता है कि श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन को क्यों लगाया जाए तथा अन्य संबंधियों तथा सज्जनों की प्रसन्नता के लिए क्यों ना कार्य किया जाए। उत्तर यह है कि श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त प्राणियों का जीवन श्री कृष्ण पर आधारित है, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त प्राणियों की सेवा स्वतः हो जाती है, उनकी अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल का सिंचन करने से उस वृक्ष के तने शाखाओं और पत्तों का सिंचन स्वतः हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की आराधना से अपनी आराधना और सभी की आराधना हो जाती है। तो अगर हम श्री कृष्ण के लिए अगर अपना जीवन लगा देते हैं तो उसमें सबकी सेवा हो जाती है ना। लेकिन जो कृष्ण के विमुख लोग हैं, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, तो अगर हम उनकी सेवा में अगर अपना जीवन लगाते हैं तो हमें अशांति और दुखी मिलेगा, क्योंकि वे क्या हैं, ये माया के सेवक हैं, ये माया के सेवक हैं, और हम फिर क्या करते हैं, माया के
सेवक की सेवा में लग रहे, है ना। तो हम कृष्ण के सेवक के सेवक बने वो ज़्यादा अच्छा है, है? अन्यथा क्या होगा, माया के सेवक हम बनेंगे। तो श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। इस जगत की तुलना कभी कभी वृक्ष से की जाती है। जिस प्रकार वृक्ष अपने मूल के द्वारा ही पोषित होता है तथा अपने मूल पर ही आश्रित होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा ही ये जगत पोषित होता है और श्री कृष्ण पर ही ये जगत आश्रित है। मुख्य बात यह है कि यदि हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होते तो हमें श्री कृष्ण की माया के प्रति समर्पित होना पड़ता है, हाँ? तो यही बात है, या तो आप माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना। तो अर्जुन अभी किस तरफ जा रहे हैं, माया की सेवा में जा रहे हैं, हाँ? कि हम इनकी सेवा करें, हम इनके लिए अपना जीवन समर्पित करें। ये माया अनेक रूपों में हमसे अपनी सेवा कराती है। माया का एक रूप हमारे शरीर में इंद्रियां हैं तथा हम इंद्रिय तितली के कार्यों में लगे हुए माया की सेवा करते हैं। पशु तथा पक्षी यदि अधिक से अधिक इसी रूप में माया की सेवा करते हैं, परंतु यदि मनुष्य रूप में हम इस प्रकार की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं तथा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बंद कर देते हैं, तो हमें माया के दूसरे रूप की सेवा में लगना पड़ता है। माया का दूसरा रूप अपने सृजन संबंधियों के रूप में वे लोग हैं जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, तथा ऐसी अवस्था में हमें अपनी इंद्रियों के स्थान पर उनकी सेवा करनी पड़ती है जो अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे, है ना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि हम कृष्ण के सेवक नहीं बनते तो हमें इंद्रियों का सेवक बनना पड़ता है। यदि हम श्री कृष्ण के सेवक ना बनकर इंद्रियों के भी सेवक नहीं बनना चाहते तो हमें इंद्रियों के सेवक का भी सेवक बनना पड़ता है। हमने अपनी इंद्रियां बस में कर ली, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो इंद्रियों के सेवक की सेवा करेंगे। तो इस श्लोक में जो शब्द हैं मदर्थे त्यक्ति जीविता, उनका अर्थ यही है। दुर्योधन जो इंद्रियों का सेवक है, मानो ये कह रहा है कि जो लोग श्री कृष्ण की प्रसन्नता में अपने जीवन को नहीं लगाते वे मेरी प्रसन्नता में अपने जीवन को त्यागते हैं। दुर्योधन भी कह रहा है यदि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म युद्ध करना है तो वो दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों करे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों ना करे। इसीलिए भक्तों ने प्रार्थना की है, हे श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कभी कभी भक्तों को अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण की सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण मुझे अपने सेवकों की सेवा में लगाइए। परंतु फिर जब भक्तों को अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण के सेवकों की भी सेवा करने के योग्य नहीं हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण मुझे अपने सेवकों के सेवा में लगाइए। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा हमें चाहे 100 बार सेवक के रूप में करनी पड़े, परंतु माया की सेवा से सदैव डरना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरत पद कमलियोर दास दासानुदासः, अर्थात मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। ऐसी स्थिति में हम सदा माया से ऊपर रहेंगे, अन्यथा माया का दास बनना पड़ेगा। मुकुंदमाला में महाराज कुलशेखर की भी प्रार्थना है, हे मधुसूदन, हे कैटभ शत्रु, मेरे जीवन का यही फल है, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है तथा यही मेरे ऊपर अनुग्रह है कि कृपा करके मुझे अपने दास के दास का स्थान दे दीजिए। तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्यति माम स्मर लोकनाथ है। तो हाँ, ये जो है हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है, दुर्योधन के इस कथन से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि माया या माया के सेवक हमेशा तैयार रहते हैं, हैं? पकड़ने के लिए, हैं? किसी व्यक्ति को अपनी सेवा में पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी कृष्ण को भूल करके सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, कृष्णा भूली यही जीव भोगवांछा करे, निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। कि कृष्ण को भूल करके कोई जीव अगर सुखी होने का प्रयास करता है तो पास में ही माया निकट है, पास में ही माया स्थित है और झपट करके पकड़ लेती, अपनी सेवा में लगा लेती। जो भी व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं करता है, सोचता है, विचार करता है कि मैं सुखी हो सकता हूँ कृष्ण की सेवा के बिना, तुरंत अरे अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ,
पकड़ लेती है, अपनी सेवा में लगा लेती है। और माया के जो है ये सब सेवक तैयार रहते हैं, हैं, तो माया के सेवक अपनी सेवा में लगाते हैं, तो इस तरह से हम माया के सेवक की सेवा में लग जाते हैं। तो कभी माया खुद आती है, हमें पकड़ती है, तो इंद्रियों की तृप्ति में हमें लगा देती है। लेकिन अगर हम इंद्रियों को मान लीजिए जीत भी लें, लेकिन किसी की सेवा ना करें, तो फिर हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी जो अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम माया के सेवक बन जाते हैं। अगर हम माया की सेवा नहीं करेंगे तो माया के सेवक की सेवा करेंगे, क्योंकि कृष्ण की सेवा अगर आपने छोड़ दी है और आप चाहते हैं कि माया की सेवा नहीं करना है, तो माया के सेवक की सेवा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये इतना बड़ा बंधन है, है? जीव का स्वरूप ही है, है क्या? सेवक। जीव का जो है स्वरूप क्या है? सेवा करना। अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं करे तो माया की सेवा में लगेगा, और कोई दूसरी गति नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।